बहुत तकलीफ में है, लेकिन मीत अदावत गुसैल आदमी है। लेकिन इसमें मीत अलावत की भी जिम्मेदारी बनती है कि मीत अलावत उनका ख्याल रखे। वो मीत है या मंजरी है, क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। मंजरी अतरंगी है, आप लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ करती रहती है, एक जगह पर बैठ नहीं सकती। आज मासूम दी उसे घुमाने लेकर आई है, और घुमाने लाई है तो वो किसी तरह पे कहीं पे फंस जा रही है और बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन मीत अदावत गुस्सैल आदमी है, गुस्से में रहता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। तो उसको अंदाज़ा होता है कि शायद मंजरी है और मंजरी फंसी हुई है, तो उसी के लिए एक बहुत अच्छा एक्शन चेस सीक्वेंस है आप लोगों को केटर करने के लिए। तो आप लोग आए 7:30 बजे, देखें मीत और देख के बताएं आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक दें। आप लोगों के सारे फीडबैक मुझे, पूरी टीम, आशी, टॉप लेवल डिग्निटरी सब लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक दें और हम उस तरीके से और मेहनत करेंगे और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। वील ट्राई एंड गिव यू आवर बेस्ट। जी, इंस्टिंक्ट है। अब आपको जब एक मंजरी है जो आई है मेरे पिता का ख्याल रखने और उनको स्टेज से निकाल रही है, लेकिन इसमें मीत अलावत की भी जिम्मेदारी बनती है कि मीत अलावत उनका ख्याल रखें और उनको सेफ़ रखें। और पता नहीं मीत अलावत को कोई ख़बर मिलती है कि भाई शायद मंजरी जो है वो किसी तकलीफ़ में है, और उसके बाद बहुत ही एंटरटेनिंग एक सीक्वेंस है आप सबके लिए, तो वो तो आपको एपिसोड ही देखना पड़ेगा, और देखें और बताएं। जी, अभी भी यही लगता है कि मीत अलावत को तो यही लगता है कि मीत है, लेकिन खेल का पासा है, किसी तरफ भी पड़ सकता है। और ज़िंदगी आपके लिए क्या आगे रखती है तो आपको खुद को नहीं पता होता। तो इस कहानी में मीत अलावत के साथ क्या होगा, वो मीत है या मंजरी है, क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आप देखते रहें, पर एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं, इतना इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग, ग्रिपिंग ट्रैक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।